ये ईशान बार बार फोन क्यों काट रहा है? ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? आका साहब, हाय। वो मैंने शांतनु दादा को अभी कॉलिंग किया था, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे। अरे तुझे शांतनु को फोन करने की क्या जरूरत थी? ईशान तो रामटेक गया था ना। हो आई, लेकिन शांतनु काका और ईशा काकी भी अभी रामटेक में ही है। क्या वो उन लोगों का प्लान था कि वहीं से दिल्ली जाकर लंदन की फ्लाइट ले लेंगे? इसका मतलब ये है कि ईशान अभी रामटेक में है। समझी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक समझ गई हूँ। वो गुरु चेली दोनों ईशान को पट्टी पढ़ा रही होगी, इसलिए वो हमारा फोन बार बार काट रहा है। तूने देखा ना रीवा, मैं तुझसे कह रही थी कि उस सभी पे बिल्कुल भरोसा मत करना। उस लड़की ने ही पट्टी पढ़ाकर हमारे ईशान को वहाँ रोक रखा है, उलझा दिया होगा किसी काम में उसे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ हैं? इनकी बहुत बड़ी गैंग है और इनके पास गन्स भी हैं। मिस्टर भोसले, हम रास्ते में ही हैं। हमें पहुंचने में कम से कम 30 से 35 मिनट और लगेंगे, तब तक आप उन पर नजर रखिए, हम आ रहे हैं। इंस्पेक्टर प्लीज, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आइए, यहाँ पर सिचुएशन बहुत खराब है। आप घबराइए मत, हम आ रहे हैं। मुझे अंदर जाकर समृद्ध पर नजर रखनी पड़ेगी, सभी की फैमिली को कुछ नहीं होने दे सकता। थैंक गॉड सभी ने मेरी बात मान ली और यहाँ पर वो नहीं आ रही है। मैं 11:15 पहुंचने का था ना, तो बस 25 मिनट कैसे भी करके वक्त पर पहुंचना है। अरे उबाजुआ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। बहुत हुआ, सभी मुझे बहुत हल्के में ले रही है, अपना फोन बंद करके बैठ गई है। कहीं पुलिस के पास तो नहीं पहुंच गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। उसको मजाक लग रहा है ना ये सब? मजाक लग रहा है उसे, तो चल माहौल को थोड़ा सीरियस बना देते हैं। एक ही तरीका है, उड़ा देते हैं इस पुट्टे को। किसी के प्यार में सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।